हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं तो बहुत ही बुरी कंडीशन में हूँ यार। अभी मैं लेस्टर के जस्ट घर से निकला और निकलते निकलते यार मेरी बुरी किस्मत, किसी ने रास्ते में कील बिछा रखी थी जिससे मेरी गाड़ी के सारे टायर फट चुके हैं। अभी धीरे धीरे यार काम चल रहा था, लेकिन अब रिन भी सब टेढ़ी हो चुकी है और गाड़ी की बहुत ही हालत खराब है। तो गाइस मुझे लगता नहीं कि इस गाड़ी से मैं आगे जा पाऊंगा, क्योंकि अगर इसमें से ऐसे ही चिंगारी निकलती रही तो गाड़ी में कभी भी आग पकड़ सकती है और ये गाड़ी कभी भी फट जाएगी। और भैया को मैंने बोला था कि इसको सर्विसिंग भी करा लेना, और इंजन भी काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है। ये देख रहे हो क्या बुरी हालत है, इंजन के अंदर से धुआं निकल रहा है। मैं ये ले खटारा ट्रक कहीं का, हाँ नहीं छोड़ूंगा, ये ले गाइस रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अब मैं जाऊँगा कैसे घर पे? ओके, अरे बेटवा क्या हुआ? अरे यार बाबा क्या बताया, मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है लेकिन मुझे घर जाना और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अरे बेटवा ऐसा करो, तुम मेरी साइकिल ले लो। अच्छा ठीक है, ये भी गुड ऑप्शन है। तो तुम मेरे ये करो यार, काम ऐसा कर सकते हो, तुम मेरी वैन रख लो, अगर इस वैन को कवाड़े में बेचोगे तो काफ़ी पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। वैसे आइडिया ठीक है। और यार गाइस मैं इनकी हेल्प भी कर देता हूँ यार, और यहाँ पे फाइनली ये मेरी भी हेल्प कर रहे हैं और इन्होंने मुझे अपनी साइकिल भी दे दी। थैंक यू अंकल, यार आपका बहुत ही बड़ा दिल है। अरे बेटवा आराम से जाना संभल कर। हाँ ठीक है अंकल। तो गाइस यार कभी कल अच्छे लोग मिल जाते हैं यार। वैसे मैंने लिया नहीं, खाली उनको दिया भी है, मैंने अपनी गाड़ी दी है जो कि भंगार में बेच के काफ़ी ज़्यादा पैसे उसके मिल जाएंगे। वैसे अंकल ने मेरी हेल्प कर दी जिससे गाइस अब यार अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ऐसा करता क्यों ना मैं यहाँ से शॉर्टकट ले लेता हूँ, नहीं तो गाइस यार ये साइकिल से मैं धीरे धीरे अगर रोड पे जाऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो चलते हैं शॉर्टकट से गाइस, ताकि मैं फटाफट से आगे पहुँच जाऊँ। हे यार वैसे यार गाइस ये शॉर्टकट तो ठीक है, वैसे ये सेफ रहता है, कभी काल ऐसा होता कि यहाँ पे कुछ गैंगस्टर वगैरह आ जाते हैं। फाइनली ऐसा कोई है नहीं कि एनिमल्स वगैरह हो, क्योंकि इन जंगल में रैबिट और हिरन के अलावा कोई एनिमल्स नहीं, तो कोई टेंशन मुझे है नहीं। लेकिन रात हो चुकी, भैया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर यार। मैंने भैया को बोला था कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन गाइस काफ़ी रात हो चुकी है क्योंकि यार गाड़ी ने धोखा दे दिया। नहीं तो अभी तक तो मैं घर पर आराम से मस्त चिल कर रहा था, लेकिन गाइस अभी क्या करें, अपनी किस्मत अच्छी नहीं थी। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी किसी ने साथ में हेल्प भी कर दी, इससे हमें एक साइकिल तो कम से कम मिल गई, नहीं तो वहाँ से फिर हमें पैदल ही आना पड़ता है यार। पैदल पता नहीं हम कब तक पहुँच पाते। और गाइस चलते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुनसान हो चुका है। और गाइस मुझे यार जो दिख रहा है वो आपको भी नज़र आ रहा है क्या? यहाँ पे तो देखो एक गाड़ी खड़ी है वाइट कलर की। भाई भाई लगता है तो मेरी किस्मत चमक रही क्या, पहले मुझे वहाँ साइकिल मिल गई और यहाँ पर एक वाइट कलर की गाड़ी मिल गई। ओके गाइस यहाँ पे गाड़ी है, लेकिन इसके ऊपर ढेर सारा कलर वगैरह लगा है, पता नहीं शायद हो सकता है किसी ने इसको मॉडिफाई करा रखा हो ऐसा। लेकिन यार ये जंगल में गाड़ी क्या कर रही है? गाइस इस गाड़ी को तो देखो भाई, लेकिन मुझे लगता है किसी ने जानबूझ कर ऐसा पेंट करा है ताकि यार किसी को भी डर लगे, हो सकता है गाइस। क्योंकि और मैं आसपास ज़रा चेक कर लेता हूँ कि किसी की तो गाड़ी नहीं है, और गाइस आसपास मुझे नहीं लगता कोई है यार। यहाँ पे लगता है कोई गाड़ी अपनी यहाँ पे छोड़ के चले गया। अबे मुझे क्या करना है? लेकिन गाइस मुझे यहाँ पे गाड़ी मिल गई है, थोड़ा इसका हॉर्न में प्रेस करके देख लेता हूँ, अगर जिसकी भी गाड़ी गई हो तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई नहीं आता तो फिर हम यहाँ से इस गाड़ी को ले चलते हैं, क्योंकि गाइस मुझे लगता है किसी की भी गाड़ी है। ओके अब ये अपनी गाड़ी हो चुकी है क्योंकि इसका कोई भी ऑनर नहीं है, तो फाइनली गाइस ये गाड़ी हमें मिल गई। और भाई क्या मेरा लक साथ दे गया, मज़े आ गए यार। पहले मुझे वहाँ पर साइकिल मिल गई, अब मुझे रास्ते में गाड़ी मिल गई, नहीं तो गाइस साइकिल से चलाते चलाते मेरे घुटने में जरूर दर्द होता। और यार गाइस ये गाड़ी काफ़ी मस्त लग रही है यार, मैं क्या बताऊँ यार, दिखने में खटारा सी नज़र आ रही है, लेकिन इसका इंजन यार एक नंबर है भाई, ऐसा लग रहा है कि ब्रांड न्यू इंजन है यार। वाकई में ये गाड़ी काफ़ी कूल मुझे लग रही है। और इसने जिसने भी इसको पेंट करा ऐसा लगता है किसी ने विमल खा के इसके ऊपर थूक दिया है और लाल लाल गुटखा जैसा कर दिया इस गाड़ी का पूरा का पूरा। लगता है किसी गुटखा लवर की ये गाड़ी थी, उसने थूक थूक के इसको लाल कर दिया। फाइनली यार क्या बोलूँ मैं, जो विमल खाते हैं वह यही करते हैं। तो फाइनली गाइस हमें गाड़ी मिल गई है, लेकिन हम ऐसा करेंगे कल इस गाड़ी को सिमोन के पास ले आके इसका पेंट वगैरह चेंज करा के इसको मस्त मॉडिफाई करवा देंगे और चेंज करा देंगे ताकि इसका गुटका उटका सब साफ हो जाए।
फिलहाल तो हम निकलते अपने घर के साइड में। यार काफी ज्यादा लगता है मैं घर से आगे आ गया यार गाड़ी के चक्कर में। लेकिन गाइस आपको दिख रहा है कि गाड़ी में वाकई में काफी अच्छी स्पीड है, लेकिन यार मुझे ऐसी स्पीड सुपर कार वगैरह में मिलती है, लेकिन इस गाड़ी में यार दिखने में नॉर्मल है, लेकिन गाइस इस सुपर कार जैसा परफॉर्म कर रही है। और फाइनली हम अपने घर की साइड पहुंच चुके हैं। यार हमें उस साइड से आना था, लेकिन चलो कोई नहीं, गाड़ी थी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे गाइस इसके ब्रेक वगैरह भी बहुत ही मस्त लग रहे, देख रहे हो। अबे ए, पीछे हटा ले अपन आगे आ गए। देख रहे हो ना दोस्तों क्या मस्त इस गाड़ी की स्पीड है, वाकई में मस्त एकदम चल भी रही है। तो फाइनली मैं पहुंचने वाला घर पे, और काफी ज्यादा रात भी हो चुकी यार। ए लगता आज भैया मेरी वाट लगाई देंगे, क्योंकि यार मैंने भैया ने मुझे बोला था कि घर पे जल्दी आ जाने का, लेकिन मैं तो लेट हो चुका हूँ, वो भी काफी ज्यादा लेट। और दोस्तों मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी है, जिससे मैं भैया को कॉल भी नहीं कर पाया कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा, कुछ ऐसा मैंने बताया नहीं कि गाड़ी मेरी खराब हो गई है। तो यार ये भी सिचुएशन बहुत ही खराब थी, लेकिन अपन की किस्मत साथ देगी कि हमें वहाँ पे गाड़ी मिल गई, नहीं तो साइकिल से पैडल मार मार के मेरे घुटने जरूर छिल जाते। उससे पहले गाइस ये तो देखो भाई, हे दोस्तों यहाँ पे लॉस सैंटोस को देखो जाइए, कितना जहर दिख रहा है यार। हे यार वाकई में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार लॉस सैंटोस, जरा देखो। फाइनली गाइस हमने देख लिया, लेकिन हमारा लेट भी हो रहा है, जल्दी चलते नहीं तो भैया मेरी वाट लगा देंगे। चलो यार आराम आराम से चलते हैं यहाँ पे। फाइनली गाइस रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद भी आ रही है, और गाइस देखते भैया सो गए होंगे अभी तक। और नो गाइस ये क्या, ओए नल्ले तू इधर आ पहले, ओए ये किसकी गाड़ी लेकर घूम रहा, फटाफट से तू बाहर निकल, तुझे मैंने क्या कहा था जल्दी आ निकले। हे भैया यार मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। ओए भाना अच्छा था, ये बता तू कर क्या रहा था तब से। हे भैया सही में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, जबी तो मुझे ये गाड़ी मिल गई रास्ते में। अबे ये किसकी विमल खोर की है, अबे किसने गुटखा खा के इसको लाल कर दिया है। हे भैया यार ये मुझे बस मिल गई गाड़ी, वैसे इस गाड़ी की वजह से भैया मैं आज तुम्हारे सामने पहुँच पाया हूँ इतने टाइम तक। ओए ऐसा बोले से बॉर्डर पे गया था नुबड़ा कहीं का। हे भैया बॉर्डर पे नहीं, लेकिन भैया मेरी गाड़ी यार वहीं पे खराब हुई, वो भी तुम्हारी गलती से। ओए मेरी गलती से, ये भैया तुमने गाड़ी को सर्विस नहीं कराई ना इसी वजह से, और टायर चेंज नहीं कराए, फटे हुए टायर वैसे हो चुके थे उसके घिस गए थे भैया। बाकी में भैया मैं क्या बताऊँ, मुझे गाड़ी मिल गई जिससे मैं यहाँ पे पहुँच सका है तुम्हारे सामने, नहीं तो कुछ भी हो सकता था भैया। ओए चल ठीक है। अरे यार होगी भैया कोई बात नहीं, चलो सोने चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं वैसे खाना वगैरह खा के आया लेस्टर के घर से। ए गई भाई फटाफट से अंदर चलते, भैया की बातें खत्म नहीं हो रहे, खुद ऐसे बोल रहे हैं जैसे बड़ा नियम के। ए गाइस अब मुझे नींद ज्यादा बहुत ही ज्यादा लग रही, चलो सोते हैं। आओ ढक चुके यक, अमर को तो सुसू लग गया, मैंने खूब ज्यादा पानी पी लिया था, ये क्या होगी सिंचन सो रहे हैं। चलो ठीक है इनको जगाना ठीक नहीं है, लेकिन मैं क्या, मैं तो जाऊंगा रोड पे सुसु करके आऊंगा ढक चुकी, मुझे बाथरूम में सुसु नहीं आता है ना कि यहाँ पे, जब तक कि मैं रोड के किनारे पे ना करूं। आओ चलो चलता हूँ बाहर में सुसु करके आऊंगा। ये क्या ये लाइट कहाँ से जल रही है, अरे कौन है लाइट जो चला रहा है, अरे ये क्या गाड़ी की लाइट कैसे जल गई अचानक से। आओ ढक चुकी मुझे क्या करना है, अरे गाड़ी लाइट बंद कर ले। ये क्या आओ उम्र का सुसु तेज बढ़ गया, चलो जल्दी चलता हो इससे पहले पैंट गीली हो जाए, नहीं पीली हो जाए। चलो यहाँ पे करता, अरे नहीं अरे लाइट से दिख रहा है, इस वाली जगह पे चट्टान के ऊपर करूंगा, ये मजार। अरे ये क्या ये लाइट किसने जला दी पीछे से, अरे कौन बड़ा मेरे हाथों से पिटना चाहता है। आओ ढक चके कर दूंगा लाइट बंद कर दे, अरे होगी होगी मुझे पता तू है, लाइट बंद कर। आओ नहीं तो इसकी ढक, अरे फिर से जला दी, ये कौन है जो कि लाइट को बंद कर रहा है फिर चालू कर रहा है। आओ अब तो मुझे लगता है इसका तुन्ना तुन्ना करना ही पड़ेगा, चलो अभी तेरे को बताता हूँ, संचय नुबड़े नीचे उतर जा। ये गाड़ी पर कैसे चढ़ गई, ये गाड़ी हवा में कैसे हो गई, ये छत पे कैसे चढ़ गई, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये गाड़ी को कैसे कोई चढ़ा सकता है। आओ बाहर निकल, तेरी ढक चुकी करूंगा लाइट को जला के, मेरा दिमाग का दही कर दिया तूने, नीचे आ बता दो तुझे मैं। आओ कौन है इधर।
आओ, ये गाड़ी हवा में क्या कर रही है और इसकी शक्ल इतनी ज्यादा डेंजर क्यों लग रही है? आओ नीचे आओ, बताऊंगा तुझे मैं। लाइट बंद कर ले जो भी अंदर गाड़ी के अंदर। आओ आओ, बंद नहीं कर रहा। लगता है इसके अंदर जो भी है वो सुन नहीं रहा। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आओ जल्दी बंद कर ले लाइट। आओ ये क्या, गाड़ी के अंदर तो कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन गाड़ी को चला कौन रहा? अरे बाप रे, मारू डाला। कौन है इसके अंदर? मर गया क्यों मारा? मेरी तो ढाक चुकी। ओ गई आगे आगे बचा ले। ओ मेरे यारा, मैं तो गया। ये क्या, मुझे बाप भैया की चीखने की आवाज सुनाई दी। जैसे बाप भैया ने मेरा नाम लिया, अरे सिंचन उठो जल्दी से। अरे क्या हो गया भैया, आधी रात को क्यों उठा रहे हो? मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है। अरे वो तो ठीक है यार, बाप भैया कहाँ गए? अरे मुझे क्या पता, वो सुसु करने गए होंगे। अरे सुसु करने गए, लेकिन मैंने बाप भैया को सुना कि वो मुझे बुला रहे हैं। लगता है गाइस बाप भैया किसी मुसीबत में है। लेकिन सेंशन मेरी बात नहीं मान रहा, वो नींद में। चलो गाइस मैं एक बार देख के आता हूँ। बाप भैया का एक बहुत ही गंदी आदत है, वो टॉयलेट में नहीं जाते टॉयलेट करने। ए दोस्तों वो रोड पे जाते हैं। तो गाइस जरा मैं चेक कर लेता हूँ, बाप भैया तो सेफ है। और भाई यहाँ पे बाप भैया यहाँ पे है क्या? अरे ये क्या, अरे बाप भैया रोड पे क्यों सो रहे हो? रोड से इधर हटो, नहीं तो गाड़ी चढ़ जाएगी तुम्हारे ऊपर। अरे ये क्या गाइस, बाप भैया तो बेहोश पड़े हैं यार, इनके साथ क्या हुआ? ए बाप भैया क्या हो गया यार? ओ नो गाइस, बाप भैया का लगता एक्सीडेंट हो गया। हे भैया जल्दी बाहर आओ। हे भैया, ओए कौन है, कौन चिल्ला रहा है? हे भैया मैं, भैया जल्दी उठो। अरे बाप रे क्या हो गया, अरे मुन्ना क्या हो गया? हे भैया बाप भैया का एक्सीडेंट हो गया बाहर। लगता कोई गाड़ी वाला उनको ठोक के भाग गया। अबे तो बाहर क्या कर रहा था वो? हे भैया ये सुसु करने आते हैं ना रोज सड़क के पार करके। अरे यार ये क्या हो गया बाप भैया, ये से नहीं हो सकता है। ओए मुन्ना जल्दी से हॉस्पिटल में ले चलते हैं। हे भैया सही कहा, हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा जल्दी से। बाप भैया को मैं डॉक्टर के पास लेके चलना चाहिए। हे भैया ओए मुन्ना जल्दी आ। हे सिंचन घर का ख्याल रखना। वैसे मैं और जैक भैया जा रहे हैं बाप भैया को हॉस्पिटल में लेके, उसके बाद हम देखते हैं क्या सीन होने वाला है। ओए मुन्ना मुझे समझ नहीं आया एक चीज, यह बाप नुबड़ा बाहर सुसु करने क्यों आता है? ए भैया वो तो मुझे नहीं पता, वो तो बाप भैया जानेंगे। गाइस हो सकता है कि बाप भैया आप रोड क्रॉस कर रहे हो नींद में ही, और कोई दूर स्पीड में गाड़ी वाला बाप भैया को ठोक के चले गया हो। ऐसा हो सकता है कि भैया का बाप भैया का एक्सीडेंट हुआ और वो गाड़ी वाला भाग गया, और बाप भैया मुझे आवाज़ लगा रहे थे और उसी के साथ थोड़ी देर के अंदर वो बेहोश भी हो गए। ओए मुन्ना बाप नुबड़े का कुछ नहीं होना चाहिए। हे भैया टेंशन वाली बात नहीं, बाप भैया अभी भी बेहोश पड़े, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतने इंजर्ड हुए होंगे। फिलहाल तो गए समय हॉस्पिटल में जाना है और बाप भैया को दिखाना है कि आखिरकार इनका कब तक ये ठीक होंगे और इन्हें होश में लाना है, यार बहुत ही ज़्यादा बेहोश है। वैसे बाप भैया को जिस गाड़ी ने भी इन्हें ठोका है ना, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं भैया। ओए मुन्ना उसको पकड़ कैसे पाएंगे, वो तो भाग गया होगा। हे भैया कैमरे में रिकॉर्ड हो गया होगा जो कि खंभे पर लगाना। ओए ये बात तो तूने सही कहे। ये गाइस लेकिन मुझे लगता है बाप भैया भी गाड़ी का नंबर याद रखे होंगे, बता तो देंगे, हम वेट कर लेंगे ना। ओए पहले तो बाप को हॉस्पिटल में ले चलते, आकर का सीन क्या है। हे भैया सही कहा, हॉस्पिटल में ले चलते फिर दिखाते क्या चक्कर है। आई होप भाई बाप भैया ठीक हो जाए। ओए सही कहा मुन्ना, वैसे बाप की भी आदत ठीक नहीं है। ओए अंधेरे में सुसु करना जरूरी है? अरे यार भैया सुसु करना जरूरी नहीं है भैया, ये जरूरी नहीं है। कुछ भी बोलते हो। ए गाइस चलो फटाफट से हम बाप भैया को एडमिट कराते हैं। और गाइस हमने बाप भैया को एडमिट करा दिया है। अरे जानी मेरी बात सुनो, ये जो भी है ना, हमने उसकी सर्जरी कर दी है, अब ये ठीक है, अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसकी बहुत ही खतरनाक तरीके से किसी गाड़ी ने एक्सीडेंट करा है और इसकी हेड में ज़्यादा डैमेज हुआ है।
अरे वो तो ठीक है, लेकिन वो भैया होश में कब आएंगे ये बताओ मुझे। जानी बस सुबह तक या रात में कभी भी होश में आ सकता है, लेकिन अभी वेट करना पड़ेगा। तुम कल सुबह आ जाना और अपने दोस्त को ले जाना। हाँ ठीक है, चलो गाइस हम अब चलते घर पे भैया। ओए मुन्ना चल ठीक है, बाब कल सुबह तक होश में आएगा, बात बाकी तो ठीक है ना। अरे जानी टेंशन मत लो, बात बाकी तुम्हारा दोस्त एकदम चंगा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये गाइस जमे बाब भैया को हमने एडमिट तो कर दिया, डॉक्टर ने बाब भैया की सर्जरी वगैरह भी कर दिया है। फाइनली बाब भैया अब खतरे से बाहर और ठीक है, कोई ज़्यादा इंजर्ड तो नहीं हुए थे। ओए मुन्ना डॉक्टर ने बोला किसी गाड़ी ने बहुत तगड़ा एक्सीडेंट कर दिया, मतलब ठोकर मारा। हाँ भैया मैं भी तो वही बोल रहा था ना। ए फाइनली गाइस हम दोबारा से पहुंच चुके हैं अपने घर के पास, और वैसे हमने बाब भैया को एडमिट करा दिया। डॉक्टर ने जैसे कि बोला कि बाब भैया को हम सुबह ही ले जा सकते, तो गाइस हम सुबह ही बाब भैया को लेने जाएंगे। अरे यार क्या हुआ, बाब भैया कहाँ गए? अरे बट सिंचन टेंशन मत लो यार, बाब भैया एडमिट हो चुके हॉस्पिटल में, टेंशन वाली कोई बात नहीं। अरे यार मुझे बाब भैया को देखना था, मुझे ले चलो से होगी भैया। अरे नहीं नहीं यार ऐसे कैसे, अब सुबह ही चलना मिल लेना बाब भैया से, वैसे टेंशन वाली बात नहीं। सिंचन बाब भैया डेंजर से बाहर है। क्यों भैया? ओए सैका सिंचन जाके सो जा आराम से। ए सैका चलो सोने चलते हैं। अरे योगी भैया उठ जाओ ना, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे तो बिल्कुल भी ज़्यादा नींद नहीं लग रही, एक बार उठ जाओ तो नींद नहीं लगती है। अरे यार सिंचन सो जाओ यार, कल सुबह चलेंगे ना बाब भैया से मिलने के लिए। अरे यार ये क्या, मुझे तो दोस्त खेलने का मन कर रहा है। अरे बाब भैया होते तो उनके साथ में रात में खेलता था, लेकिन ये क्या आगी भैया तो सो रहे हैं, अभी क्या करूँ। चलो यहाँ पे थोड़ा टहल लेता हूँ, और अच्छी हवा भी लग रही है मुझे। गाइस मैं क्या खेलूँ यहाँ पे, चलो कोई खेलने वाली चीज़ होगी तो उसी से मैं खेल लूँगा। अरे यार अकेले खेलने का भी मज़ा कुछ और नहीं होता, बाब भैया होते तो उनके साथ खेलता, लेकिन बाब भैया की फिक्र मुझे बहुत ही ज़्यादा सता रही है। ऐसे कैसे कर सकते हैं बाब भैया, मेरे को छोड़ के हॉस्पिटल में चले गई। ऐसे जाने तो उनको जरूरी था, लेकिन गाइस ये क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। अरे ये क्या, ये लाइट किसने चला दी? अरे कौन है यहाँ पे, इस लाइट को बंद कर दो। वाह बंद, लाइट बंद हो गई, अरे फिर से लाइट आ गई। अरे ये कौन है जो कि मुझे लाइट जला जला के डिस्टर्ब कर रहा है? अरे अरे ये क्या, ये क्या ऊपर चीज है, ये रोशनी तो ऊपर से आ रही है। अरे नो गाइस ये ऊपर है क्या, मुझे नजर नहीं आ रहा ढंग से, लगता है ऊपर कोई ना कोई चीज है। अरे यार ऐसा लग रहा है कि गाड़ी की आवाज ऊपर से आ रही है मुझे। ओके गाइस ऊपर क्या चीज है पता नहीं चल रही मुझे। ये तो लगता है गाड़ी की हेडलाइट है। ओह नो ये गाड़ी ऊपर कैसे चढ़ गई, ये तो खतरनाक गाड़ी है। ओह गाइस अभी क्या करूं मैं, ये गाड़ी ऊपर से मुझे देख रही है। अरे ये कैसे हो सकता है, ये गाड़ी तो होगी भैया जब लाए थे नॉर्मल थी। ओह नो गाइस लगता है ये इस गाड़ी के अंदर कहीं भूत तो नहीं बैठ गए, और ये गाड़ी हवा में उड़ गई। या हो सकता है मैं सपना देख रहा हूँ, लगता है गाइस मैं भूत या सपना देख रहा हूँ जिसमें ये गाड़ी भूत बन चुकी है। हाँ ये पक्का सपना ही होगा, ये हकीकत नहीं हो सकती है। अरे मेरे को कहीं भी नहीं, अरे ये क्या, ये गाड़ी तो मेरे पर आ गई, मुझे बचाओ भैया। अरे बाप रे ये क्या, ये क्या बम फटने की आवाज आई? अरे सिंचन गाइस यार ये सिंचन लगता है बम पटाखे फोड़ने के, दिवाली के कुछ बम हमारे बच चुके थे। और सिंचन अरे गाइस ये क्या, सिंचन ने बम फोड़ दिया। ओके बाप रे बाप, सिंचन को मैंने कितनी बार मना करा था वो बड़ा वाला बम नहीं फोड़ना, लेकिन गाइस ये क्या, सिंचन ने वो बड़ा वाला बम यही फोड़ दिया, और साथ में यहाँ पे सिलेंडर था बीबीक्यू में जो लगा था गाइस वो भी फट गया। अबे सिंचन भाई होश में आ जाओ। गाइस ये क्या हो रहा हमारे साथ में, यहाँ पे तो सिंचन भी बेहोश हो गया। ओए मुन्ना ये किसने धमाका कर दिया? ए भैया सिंचन ने यहाँ पे धमाका कर दिया बॉम्ब से यार, और ये देखो खुद भी इंजर्ड हो गया। ओए ये नुमड़ा रात में बॉम्ब क्यों फोड़ रहा था? ए भैया मुझे नहीं पता यार, वैसे सिंचन को नींद नहीं आ रही थी तो मैंने बोला बाहर खेलो, तो ये आके बॉम्ब ही फोड़ दिया इसने। ओए मुन्ना चल बातें बंद कर, इसको भी हॉस्पिटल में ले चलते हैं। हाँ भैया हमें भी अब सिंचन को भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ओए जल्दी आ मुन्ना, वैसे ये क्या हो रहा है, अभी बॉम्ब का एक्सीडेंट हो गया, अब ये बॉम्ब से फट गया।
ए भैया पता नहीं कोई मनुष्य जैसे आ गई घर में। ए पहले बाप भैया सिंचन, वैसे भैया सिंचन की तो गलती है पूरी की पूरी और बाप भैया की भी गलती है। ओए तुझे पक्का भरोसा बॉम्बी था ना? हाँ भैया फटने की आवाज तुमने सुनी नहीं क्या यार? ये तो बॉम्ब ही फूट सकता है ना। ओए तो बॉम्ब फूटा, चल ठीक है वो बॉम्ब जो पड़ा हुआ था ना उसी को फोड़ दिया लगता है इसने। ए भैया बॉम्ब सिंचन ने सिलेंडर के पास फोड़ दिया ना, जिससे सिलेंडर भी फट गया। उसके बाद सिंचन की भी इंजर्ड हो गया। गाइस हमें सिंचन को भी हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और गाइस हमने यहाँ पे सिंचन को भी एडमिट करा दिया है। और यहाँ पे डॉक्टर, अरे यार तुम्हारा भी एक दोस्त यहाँ पे ऑलरेडी एडमिट था और एक और आ गया। चलो कोई बात नहीं, मैंने इसकी भी यहाँ पे सर्जरी कर दी है और टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इसके सर पे भी कुछ तेज किया के गिर गया। अरे नहीं नहीं डॉक्टर, ये बॉम्ब फोड़ रहा था और सिलेंडर से चोट लग गई मुझे लगता है। हाँ ठीक है, कोई जलने का भी डैमेज है तो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भारी चीज़ इसके ऊपर आके गिर गई, जैसे कि कोई गाड़ी वगैरह हो। अरे नहीं नहीं गाड़ी तो नहीं हो सकती। वैसे बताओ ये सिंचन कब होश में आएगा? मैं बता रहा हूँ, अरे यार मुझे लगता है कि ये तुम्हारा दोस्त भी सुबह तक होश में आ जाएगा। तो सुबह आना तो तुम्हारे दोनों दोस्त सुबह ही होश में आ जाएंगे। अच्छा सुबह आ जाएंगे, यार ये क्या चक्कर है वैसे? अरे हमने एक इंजेक्शन की वो दिया ना इंजेक्शन, जिससे होश में आता पेशेंट को काफ़ी देर बाद, मतलब सुबह तो हो ही जाएगा। अच्छा ठीक है समझ आ, मैं आ गया। भैया चलो घर पे चलते हैं। ओए मुन्ने यहीं वेट कर लेके इन दोनों का। ए भैया नहीं नहीं यहाँ पे वेट नहीं कर सकते, हॉस्पिटल में भीड़ लग जाएगी। ओए ये तो बात तूने सही की, अगर सारे के सारे ऐसे आगे वेट करेंगे तो हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी, चल चलते हैं घर पे। हे भैया सही कहा, वैसे टेंशन वाली बात नहीं, सिंचन भी अब ठीक हो चुका है, बस इंजेक्शन के असर से वो बेहोश है। जैसे इंजेक्शन का असर खत्म होगा सुबह तक सिंचन और बाप भैया दोनों होश में आ जाएंगे, फिर हम इन दोनों को लेके आएंगे भैया सुबह के टाइम पे। ओए मुन्ना चल ठीक है। ए भैया अब चलो निकलो यार, गुड नाइट। यार गुड क्या नाइट करूँ मैं, यहाँ पे तो बैड नाइट होते जा रही धीरे धीरे करके। ए गाइस चलो सोने चलते हैं, भैया ऊपर सो रहे और मैं नीचे। ओए पापा जी ये कौन है? मैं जब से सोच रहा हूँ मेरे सपने में लाल लाल क्यों नजर आ रहा है? ओए परी का सपना देख रहा था, परी भी लाल दिख रही थी रेड हल्की तरह। बाप रे ये कौन मेरे घर के अंदर लाइट चला रहा है? अबे कौन नुबड़ा है, कहाँ से ये ब्लड प्लड जैसा लाइट कर दिया पूरा? अबे ये क्या बना रखा, ट्रैफिक पुलिस वाला गया कोई यहाँ पे? ये पूरी लाल रोशनी कहाँ से आ रही मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे बाप रे लाल रोशनी आखिरकार आ कहाँ से रही है? यहाँ कौन है? ओए कौन है यहाँ पे? अरे ये तो इस गेट के नीचे से आ रही रोशनी। ओके देखते हैं। अरे ये क्या, ये गाड़ी की हेडलाइट रेड कैसे हो गई? पहले तो ये वाइट कलर की थी। ओए ये क्या हो सकता है, वो भी इतनी खतरनाक रेड कलर की? ओए ये इतने खतरनाक तरीके से चमक क्यों रही है इसकी आंखें जैसे हो? ओए क्या गड़बड़ है, गाड़ी के अंदर कोई बैठा भी नहीं है और गाड़ी की डायरेक्शन ऐसे कैसे हो गई सीधा गेट की साइड में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और इसकी हेडलाइट रेड कैसे हो सकती है, ये क्या चक्कर है? लगता है कि इसने हेडलाइट पे गुटखा खा के थूक दिया जिससे हेडलाइट का कलर रेड हो गया, लेकिन इतनी टाइम कौन गुटखा खाएगा थूकेगा, ये कौन कर सकता है? ओए लगता है शर्मा जी का काम है। अरे बाप रे ये क्या, ये गाड़ी तो अपनी आप चालू गई लेकिन गाड़ी के अंदर मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है, ये क्या चक्कर है आखिरकार? ओए ये क्या हो रहा है, गाड़ी के अंदर कोई नहीं और गाड़ी अपने आप कैसे चल सकती है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? अरे जैक उठ जा, अरे ये सपना नहीं है, ये तो हकीकत है। ओह नो ये तो मेरे पीछे लग गई। ओए गाड़ी मुझे जाने दे, ओए मैंने तरह क्या बिगाड़ा है, मुन्ना बचाने है मुझे, मुन्ना जल्दी आ जा, ये गाड़ी मुझे आज नहीं छोड़ेगी, मुन्ना जल्दी आ, मुन्ना बच्चा नहीं आ मुझे। ओ नो गाइस अब तो लगता है मैं भी गया, मुन्ना मुन्ना बच्चा नहीं आ, ओ नो मैं भी गया। हे
दोस्तों सुबह हो चुकी है और गाइस मैं आज सुबह जल्दी उठ चुका हूँ। वैसे मैं सुबह नहीं उठता, आप लोगों को पता है कि मैं सुबह नहीं उठता हूँ। लेकिन गाइस यार जैसे कि पता कि मुझे सिंचन और बॉब भैया को हॉस्पिटल से लेने जाना है और गाइस मुझे लगता है वो दोनों अभी तक होश में आ चुके होंगे। भैया जल्दी आ जाओ। ए भैया गाइस ये क्या, भैया कहाँ गए? भैया गए क्या सिंचन और बॉब भैया को लेने? यहाँ पे भैया नहीं है। ओ मुझे यार नहीं लेके, भैया अकेले तो जा नहीं सकते, गाड़ी भी यही है भाई। और ये भैया गए तो गए कहाँ पे यार? हे भैया सुबह सुबह जॉगिंग करने जाते हैं, सही से भैया जॉगिंग करने गए होंगे यार। और वाकई में यार ये गाड़ी यार रात के अंधेरे पे मुझे कुछ अलग लग रही थी, लेकिन गाइस डे लाइट में ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके ऊपर ब्लड लगा इतना सारा? लेकिन फिलहाल मुझे गाड़ी को नहीं देखना है, मुझे भैया को ढूंढना है। भैया को जल्दी से मुझे लेके हॉस्पिटल भी तो जाना है। ए भैया कहाँ गए? ए भैया कहाँ हो यार? गाइस भैया लगता है ऊपर की साइड में जॉगिंग कर रहे होंगे। ए चलो फटाफट से भैया को बुला के लाओ। ए भैया कहाँ पे कर रहे योगा? गाइस यहाँ पे भैया है नहीं। यार यहीं हमेशा रहते हैं इस वाली रोड पे, भैया जॉगिंग वगैरह करते रहते हैं लेक के पास में और कभी कल फिशिंग भी कर लेते हैं। और गाइस यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ए भैया गए तो गए कहाँ पे? और वो क्या? अरे भैया मैं आ रहा हूँ। अरे बाप रे ये क्या, मेरी हड्डी पसली टूट गई। अरे भैया क्या हो गया? ओ नो गाइस ये क्या, भैया का भी साथ, एक भैया का एक्सीडेंट कैसे हो गया इधर? ए भैया ओ नो गाइस भैया का भी एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ये कोई एक्सीडेंट वाली जगह नहीं है, यहाँ पे गाड़ी कैसे आ सकती है क्योंकि गाइस ये रोड नहीं है। और समझ नहीं आ रहा यार ये क्या। चलो गाइस जो भी है भैया को मैं जल्दी लेके चलना पड़ेगा। और गाइस ये गाड़ी मैंने अभी देखी रात में, मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने विमल गुटखा खा के इसको लाल कर दिया, लेकिन गाइस ऐसा लग रहा है कि इस गाड़ी पे एक रियल ब्लड लगा है। हो सकता गाइस ये गाड़ी किसी ने किसी को एक्सीडेंट कर दिया होगा, जिसकी गाड़ी होगी उसने किसी का एक्सीडेंट करा और वो फिर भाई उस गाड़ी को वहीं छोड़ के भाग गया हो। गाइस ये भी हो सकता है भाई। लेकिन फिलहाल तो मुझे भैया को जल्दी से लेके जाना हॉस्पिटल में। मैं बाद में पता करूंगा इस गाड़ी का आखिरकार असली ओनर कौन है और इसमें इतना सारा ब्लड क्यों लगा है। मैं फटाफट से इसको गाड़ी को पुलिस में जमा करा दूंगा। ए दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं चलूँ भैया को पहले एडमिट कराता हूँ सिंचन और बॉब भैया को भी लेने। लेकिन भैया के साथ में ये किसने क्या होगा यार, मुझे सबसे बड़ा शक यही लग रहा है। गाइस यार ये किसने करा होगा भैया के साथ में? ए यार भैया के भी यार वहाँ पे मैंने देखा हो कि गाइस मुझे याद पड़ रहा है जहाँ यार रात में सिंचन जहाँ बम फटा था वहाँ पे यार पहिया के निशान थे, व्हील के निशान थे। ओके गाइस बॉब भैया का भी एक्सीडेंट गाड़ी से हुआ था और यहाँ पे मुझे शक है कहीं जैक भैया का भी गाड़ी से एक्सीडेंट ना हो। अगर ये प्रूफ हो जाता कि जैक भैया का भी एक्सीडेंट गाड़ी से ही हुआ है और गाइस फिर तो भाई मुझे तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है। लेकिन उससे पहले मुझे भैया को भी एडमिट कराना पड़ेगा। हे यार यहाँ पे फटाफट से भैया चलो। ए गाइस भैया को भी एडमिट करा दिया। अरे यार सनी मुझे ये बताओ। हाँ भैया। ए डॉक्टर जी ये बताओ कि मुझे मेरे भैया को क्या हुआ है? जनी मैं बता रहा हूँ ये तुम्हारे भैया के साथ भी वही सेम कंडीशन हुई है जैसे कि बॉब और सिंचन के साथ में हुई थी, लेकिन वो दोनों तो ठीक हो चुके हैं और अपने घर गए। अरे अपने घर गए? और जानी मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा, वो दोनों उठ के भागते हुए चले गए और कहने लगे गाड़ी में भूत गाड़ी में भूत। अरे गाड़ी में भूत ये क्या हो सकता है गाइस? हे मैंने भैया को एडमिट करा दिया और भैया भी कुछ देर में होश में आ जाएंगे। गाइस भाई गाड़ी में भूत इसका मतलब क्या है? और यहाँ पे सिंचन और बॉब भैया छत पे क्या कर रहे हो? आओ तू भी ऊपर आ जा। और ये क्या मनुष्य गाड़ी को भी साथ में लेकर आ गया? अरे यार यही गाड़ी तो है जिसने मेरा एक्सीडेंट किया था। आओ जाओ, और मेरे को भी इसी ने मारा था, मुझे पूरा भरोसा है कि इसी गाड़ी छत पे थी और छत पे से सीधा इसने जैसे कि शेर की तरह मेरे ऊपर अटैक कर दिया। ये क्या मजाक कर रहे हो, मुझे पक्का भरोसा तुम दोनों प्रैंक कर रहे हो ना मेरे साथ में। सही में बता तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आओ मैं सही बोल रहा हूँ कि मेरी बात का भरोसा कर, इस गाड़ी ने मुझे मारा था। ए मुझे यकीन नहीं होता ये गाड़ी किसी को कैसे मार सकती है। ए आओ ऐसा काम कर तू इस गाड़ी को मार के देख ले, फिर तेरे को खुद ही पता चल जाएगा।
अच्छा ठीक है बाबा, यार तुम्हारी बातों को मान के मैं इस गाड़ी को मारता हूँ। गाइस यार मुझे लगता है दोनों मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। कभी गाड़ी भी क्लियर हो सकती है क्या? हाँ ऐसा हो सकता है कि क्या गाड़ी के अंदर भूत घुस जाएगा, कुछ भी मतलब कुछ भी। ए, इस गाड़ी को छोड़ूंगा नहीं। ये देखो बाबा भैया, बस इतना है ना, ठीक आओ। ये क्या गाड़ी के अंदर कुछ हुआ क्यों नहीं? ए बाबा भैया, तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे ना, मुझे बेवकूफ समझा क्या तुमने? एक नंबर के दोनों नीचे उतर के आओ, आओ पीछे देख जरा होगी। अरे बाप रे, ये क्या? ओके गाइस, ये क्या भाई? अभी मैंने इस गाड़ी को तोड़ा फोड़ा, लेकिन ये तो फिर से ठीक हो गई। और इसके अंदर से ये क्या लाल लाल, ये हेडलाइट कैसे चल रही है? आओ आगे भाग ले। अरे मैं क्यों भागो? आओ गाइस, यार मुझे लगता है सही में इस गाड़ी के अंदर शैतानी कोई ताकत है। आओ, लेकिन हमने बाबा से पूछ लिया सब कुछ, बाबा ने बताया इसके अंदर, इस गाड़ी के अंदर एक शैतान है। अच्छा शैतान है, और बाबा ने क्या बताया? आओ जैसी रात होगी ये अपनी फुल पावर में गाड़ी आ जाएगी, और ये फिर से लोगों का मर्डर करना चालू कर देगी। अरे गाइस ये तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बाबा भैया, मैं इसको पहले डिस्ट्रॉय कर दूंगा रात होने से पहले। ए दोस्तों, हम इसको लेकर आ चुके इधर, और इसमें हम लगाएंगे खूब सारा स्टिकी बम, और उसके बाद हम इस गाड़ी को डिस्ट्रॉय करने वाले, ताकि रात होते यार ये अपने आप ही दूसरे लोगों को ना मारे। हे मैं नहीं चाहता कि यार ये गाड़ी किसी और लोग को भी मारे, ऑलरेडी इसने हमारे घर के 3 मेंबर को इंजर्ड कर दिया है। आओ उस गाड़ी को फोड़ दे, हुई इसके पुर्जे पुर्जे उड़ा दे। हे वो भैया सही कहा, इसको ऐसा उड़ाऊंगा कि खुद को कभी रिपेयर नहीं कर पाएगी। और ये बाबा भैया, इसकी पावर कम हो गई है ना, वैसे रात में इसकी फुल पावर आती है ना। हे बो भैया, बम तो मैंने लगा दिए सारे, अब इसको फोड़ने का टाइम आ गया है गाड़ी को। अलविदा मनुष्य गाड़ी, किलर गाड़ी असली में। खेले आओ, मजा आ गया इस किलर गाड़ी की तो, रॉकेट बना के ढाक की कर दी हमने। हे गाइस मजा आ गया किलर गाड़ी का आखिर।